मैं दवाई लगा देता हूँ। युग, थैंक यू। वेलकम। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम। कौन हो तुम कली, क्या लगती हो? अपने दिल से पूछिए। आपको जवाब मिल जाएगा। हमने सब सुन लिया है, तुम शर्मिला के बारे में जो भी बात कर रही थी। देखो काली, ये दोनों के घरों की इज्जत का सवाल है, अगर कुछ गलत हो गया तो दोनों के घरों की पगड़ी उछल जाएगी ना। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, और वैसे भी हम तुमसे तेज गाड़ी चला लेंगे, शर्मिला की जिंदगी बचानी है ना। हम सब समझ रहे हैं कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन अभी के लिए प्लीज दुश्मनी भूल जाएं और शर्मिला की हेल्प करें। शेखर, आ गई तुम? ये क्या है? हमारा बैग पकड़ लो ना। लेकिन ये तो काफी भारी है। हाँ, वो हमने अपने सारे जेवर इसी में रख दिए। क्या जरूरत थी ये सब लाने की? हमारी जिंदगी में तुम्हारी कीमत इन जेवरों से कहीं ज्यादा है। सच? तुम इतना प्यार करते हो हमसे? तुम्हारी कसम। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, हम पानी लेके आते हैं। हम बस यूं गए और यूं आए। बैठो तुम। ठीक है, जल्दी आना। हाँ मैं आता हूँ, तुम बैठे रहना और हिलना मत यहाँ से, ठीक है? हाँ। इन जेवरों के लिए मैं तुम्हें तो क्या,
अपने आप को भी धोखा दे सकता था शर्मिला। थैंक यू मेरे इतने काम आने के लिए। अब तो मेरे सारे उधार एक झटके में फिनिश। हे राम जी, इतनी रात हो गई है, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी कली को भेजकर? वो भी तो बच्ची है ना, कृपा करना प्रभु। बहुत रात हो गई है सोना, जाके आराम करो। अगर दिल में कोई बात हो ना तो हमसे कहो, दिल में मत रखो सोना। आप जाइए, जाके आराम कर लीजिए। अरे बाप रे, ये बैग लेके ये टाइम पे कहाँ से आ रही हो? सब ठीक तो है? हम तो समझे थे कमरे में है, ये कहाँ गई थी रे? ऑल वेल गौरी, कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना? आप लोग हमेशा हम पे डाउट करते रहते हैं ना, मगर हम इस घर की असली बहू, इस घर की इज्जत बचाने का काम करके आ रहे हैं हम। ए, जितना सवाल पूछा है ना उतना जवाब दो। दादी जी ये देखिए, शर्मिला के गहने। क्या? शर्मिला के गहने? ये तुम्हें कहां से मिले, दिखाओ। माँ जी, ये तो वही गहने जो हमने शर्मिला को दिए थे। गौरी, मेरी मम्मी से बात करो, मेरी बहन है वो। सच कह रहे हैं हम, पापा के घर में हमारा एक खास नौकर है संजीवना, उसने शर्मिला को वो बैग चोरी छुपे ले जाते हुए देखा था। उसने हमें फोन किया, फिर हमें भी कुछ खटका तो हम सीधा बस स्टैंड पहुंच गए, क्योंकि हमें पता है कि मिथिला से रात के वक्त कोई ट्रेन नहीं जाती। और दादी जी, जब हम वहां पहुंचे तो शर्मिला गुंडों से घिरी हुई थी। ये कैसा नेचर है तुम्हारा, सबकी हेल्प करती हो और फिर पर्दे के पीछे छुप जाती हो। हमने दी की इतनी हेल्प करी और किसी को पता भी नहीं लगने दिया। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारे अच्छे काम जाने, तुम्हारी तारीफें करें? मंजी माँ कहती है कि कोई भी अच्छा काम करके उसका क्रेडिट ना लेने से राम जी आपको उसका 10 गुना पुण्य देते, इसीलिए। या फिर तुम जरा भी सेल्फिश नहीं हो और हर काम बिना स्वार्थ के करती हो। शायद, पता नहीं। क्या सोच कर गई थी? सारे समाज के सामने हमारी इज्जत उछालोगी, नाक कटवाओगी, छेदू करवाओगी? भला हो हमारी बहू गौरी का जो समय रहते तुमको देख ली और तुमको गर्त में जाने से रोक ली। ये है पुत्र कामेष्टि यज्ञ का फल। इस फल को आधा अपने पुत्र को और आधा उसकी पत्नी को खिलाना है। दाहिने वाला असली है, बाएं वाला नकली। अरे गौरी, ये लो तुम्हारे लिए। सॉरी, ये राइट वाला, लेफ्ट वाला।